व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आया हूँ टाटा पंच 2021। इस वैरियंट में आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इनलाइन थ्री सिलेंडर्स 1200 cc की इंजन मिलती है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 5.49 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जाती है। इस बैक में LED टेल लाइट्स विथ 366 लीटर्स की बूट स्पेस। इसके साइड में आप देख सकते हैं, साइड में काफ़ी अच्छी अलॉय व्हील्स दी हुई है, 15 इंच के अलॉय व्हील्स, जिसकी लेंथ, कार की लेंथ आपको 3827 विथ 1742, हाइट 1615, ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm। अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट। इंजन आप देख सकते हैं, थ्री सिलेंडर्स की इंजन 1200 cc की, जो कि मैक्सिमम पावर, जिसको कि BHP बोलते हैं, 84.48 BHP एट द रेट ऑफ 6000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क 113 Nm एट द रेट ऑफ 3300 RPM जैसी पावर प्रोड्यूस करती है। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs और क्रोम फिनिश ग्रिल। टाटा पंच दिखने में आपको बेबी सफारी या हैरियर का लुक देगी, लेकिन पंच को ओमेगा ARC प्लेटफॉर्म पर ना बनाकर कंपनी ने इसे एट्रॉज वाले अल्फा ARC प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तो मैंने आपको बता ही दी है, और इसको अगर आप इसके इस फ्रंट ग्रिल को देखते हैं, ग्लास ब्लैक ग्रिल, देखकर आपको नेक्सॉन की याद आ जाएगी। और इसी में हॉर्न के लिए दी गई ट्राई एरो शेप में बना गैप कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है। नीचे कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स। इस कार में आपको बहुत सारी मॉडल्स आती है, जैसे कि एडवेंचर, AMT, पेट्रोल, और कार की आप डोर्स देख सकते हैं, 90 डिग्री पे ओपन होती है, और इसमें अकॉम्प्लिस्ड AMT पेट्रोल, क्रिएटिव पेट्रोल, क्रिएटिव AMT, और इसकी सर्टिफाइड माइलेज आपको 18.5 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसको ड्यूअल टोन में इस कार को बनाया गया है। माइक्रो SUV कार, इसको आप लेकर ऑफ रोड भी कर सकते हैं। इंटीरियर्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, ड्यूअल टोन का इंटीरियर्स है इसमें। अब रियर में देख सकते हैं, जैसे कि टाटा के बैचिंग पंच, रियर वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, और मुझे टेल लाइट्स काफ़ी पसंद नहीं आई, बट फिर भी टेल लाइट्स इज ओके। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। बूट स्पेस 336 लीटर, 60-40 स्प्लिट सीट इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप 50-50 कर सकते हैं। इस कार में आपको और भी बहुत सारी फीचर्स मिलती है, जैसे कि आप इंटीरियर्स में अभी मैं आया तो इसमें आपको स्टीयरिंग में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, MID देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। हरमन गार्डन का इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ 4 स्पीकर्स, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो और पावरफुल AC। म्यूज़िक सिस्टम देख सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ है म्यूज़िक सिस्टम में। MID काफ़ी खूबसूरत। स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स। इंजन में अभी ऑन करके दिखा रहा हूँ, TFT, और इसका MID देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, नेक्सॉन जैसी ही है और हैरियर जैसी भी है ये कार। ब्लू एंड इसके आप डोर जो है वो अपर माउंटेड L-शेप में माउंटेड डोर हैंडल्स। इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लेग रूम मिलती है, हेडरूम और शोल्डर रूम भी मिलता है साथ में, साथ ही साथ जिसमें आपको देखा जाए अगर इसकी IRVM, तो IRVM इसमें ऑटोमेटिक देनी चाहिए थी, बट टाटा ने ऑटोमेटिक नहीं दी है, पता नहीं क्यों। ड्राइविंग और इस कार के परफॉर्मेंस और ड्राइव एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी माइलेज के साथ बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा, और ऑफ रोड भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रो SUV है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं काफ़ी मैंने एक्सेलेरेटर दबाया था, पिकअप भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, माइक्रो SUV के हिसाब से काफ़ी अच्छी पिकअप है। सिटी में आपको ये 17 की माइलेज देती है, और हाईवे में मुझे मिल रही है 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। और ये टाटा की कार है, तो एब्सोल्युटली ये 5-स्टार रेटिंग
के साथ मिलती है। क्रैश टेस्ट में भी इसको 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। साथ में आपको टफ बॉडी मिलती है इस कार पे, बैक सीट दे सकते हैं, हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साइड स्क्रीन, साइड विंडो भी काफ़ी अच्छा है, बैक सीट का विंडो, और फ्रंट में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। ORVM काफ़ी अच्छी जगह प्लेस्ड है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको बैक की मिलेगी ORVM की मदद से। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जैसे कि मुझे एक चीज़ इसमें मिसिंग लगा, जैसे कि इसमें अगर टर्बो चार्ज इंजन होता तो अच्छा होता, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था, बट मुझे थोड़ा पिकअप उतना अच्छा नहीं लगा इस कार में। बाद बाकी कार में इंटीरियर सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं। बाकी दिस इज़ ए मेड इन इंडिया कार, सो वोकल फॉर लोकल। अब देख सकते हैं ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल है, बैक सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, हैंड रेस्ट दी हुई है, बट हैंड रेस्ट में कप होल्डर्स मिसिंग्स है। ड्यूअल टोन का आपको डोर्स मिल जाते हैं, 4 पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग। सबसे पहला फंक्शन तो आपने यही देख लिया, कार ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है, क्लच दबाओ स्टार्ट हो जाएगी, आप ट्रैफिक में रुके हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी में आपको ए पिलर जो है वो काफ़ी अच्छा है, और बोनेट की बात करें तो बोनेट भी आपको सीट में ही बैठ के दिख जाता है। 5 ट्रांसमिशन मैनुअल गियर आप देख सकते हो, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। जैसा कि आप अगर ऊंचा बैठते हैं तो ऊंचा आपको दिखता भी है, विजिबिलिटी उससे और काफ़ी क्लियर होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।